हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12 में बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट हैं, यानी पीसीबी से आपने कक्षा 12 पास की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कक्षा 12 बायोलॉजी वर्ग से पास करने के बाद फ्यूचर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किन किन कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैथ्स वर्ग अगर ले रखा है तो उसके बारे में भी इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो को आप जरूर चेक कर सकते हैं। कक्षा 12 में अगर बायोलॉजी लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है करियर, वो डॉक्टर के लिए आता है। यानी हम लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी को लिया जाता है। अब डॉक्टर बनने के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर के रूप में आप MBBS, BDS, BAMS जैसे कोर्स कर सकते हैं। MBBS जो कि डॉक्टर्स की सबसे पहली चॉइस होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। MBBS करने के लिए नीट का एग्जाम पास करना होता है। नीट एक नेशनल लेवल पर होने वाली परीक्षा है जिसमें लगभग हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा को देते हैं। MBBS की पूरे भारतवर्ष में 70,000 से ज्यादा सीटें हैं और MBBS 5.5 साल का एक कोर्स है जिसमें 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप का लगता है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते या डॉक्टर बनने के उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन है BSc का। अब BSc दो तरह से आप कर सकते हैं, BSc सिंपल BSc होती है या BSc ऑनर्स होती है। वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर के अलावा अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं वो BSc कर सकते हैं। BSc आपको पता है, इंटर का स्टूडेंट BSc करने के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन विषयों को लेकर के BSc करता है। BSc के अलावा BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं। BSc और BSc ऑनर्स में क्या फर्क है, इसे समझते हैं। BSc एक सिंपल BSc है, लेकिन BSc ऑनर्स में किसी एक विषय की स्पेशलाइजेशन आप लोगों को मिलती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि इन विषयों में से किसी एक विषय को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर किसी एक विषय की स्पेशलाइजेशन, खास तौर से उस विषय को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। अब BSc करने के बाद करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, BSc करने के बाद MSc किया जा सकता है, BSc करने के बाद BEd किया जा सकता है, यानी कि एक शिक्षक बनने का ऑप्शन, एक टीचर बनने का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। आप चाहें तो BSc के बाद MSc प्लस BEd कर सकते हैं या BSc के बाद डायरेक्ट BEd कर सकते हैं। BSc के बाद BEd करने या BSc के बाद MSc प्लस BEd करने के बाद TGT या PGT के द्वारा इनकी परीक्षा पास करने के बाद गवर्नमेंट टीचर बना जा सकता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर BTC के कोर्स भी आप कर सकते हैं, BTC में एडमिशन ले सकते हैं, वहां से भी टीचर बनने का ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है। अब इनसे अलावा जो करियर के ऑप्शन हैं एक PCB स्टूडेंट के लिए, उनके बारे में सुने। जो ऑप्शन रहते हैं उसमें BSc के अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन साइकोलॉजी, BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन नर्सिंग, BSc इन एनवायरमेंट साइंस। ये वो कोर्सेज हैं जो 3 साल से 4 साल के बीच हो सकते हैं। जैसे BSc इन एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है, BSc इन नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। और इन कोर्सेज के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स जो बायोलॉजी के स्टूडेंट कर सकते हैं, वो कोर्स है BSc इन फूड टेक्नोलॉजी। BSc इन फूड टेक्नोलॉजी एक आज के समय में बड़ा ग्रोइंग सब्जेक्ट है, बड़ा ग्रोइंग कोर्स है। इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स को लेकर के अगर नॉर्मल BSc इन फूड टेक्नोलॉजी करते हैं तो 3 साल, और अगर BSc इन फूड टेक्नोलॉजी विद ऑनर करते हैं तो 4 साल का ये कोर्स होता है। इस BSc ऑनर्स करने के बाद UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद आप MBA इन फूड एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, जो कि रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। फूड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए आप इस कोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा BSc इन माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन, कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी BSc इन माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन उपलब्ध कराती हैं, जो 3.5 साल का कोर्स है जिसमें 3 ईयर आपके स्टडी के और 6 महीने इंटर्नशिप के होते हैं। अब इनके अलावा जो BSc बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए अलग ऑप्शन हैं, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट चाहें तो वो लॉ में भी जा सकते हैं, BA या BSc के साथ या उसके बाद लॉ का कोर्स कर सकते हैं, उसके करने के बाद आप वकील अथवा जज बन सकते हैं। जो स्टूडेंट इन सभी फील्ड, डॉक्टर या BSc के अलावा अदर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो फार्मेसी या मेडिसिन एक अच्छा ऑप्शन है।
जो स्टूडेंट फार्मेसी लेना चाहते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है, फार्मेसी की फील्ड में सबसे पॉपुलर कोर्स अगर कोई है तो वह है बी फार्मा। स्टूडेंट बी फार्मा ले सकते हैं। बी फार्मा एक 4 साल का कोर्स है और बी फार्मा के बाद स्टूडेंट एम फार्मा कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी इसमें है, बी फार्मा या एम फार्मा के अलावा डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का कोर्स है। स्टूडेंट्स फार्मेसी की फील्ड में जाने के लिए या मेडिसिन लाइन में जाने के लिए डी फार्मा भी कर सकते हैं। इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इन सभी कोर्सेज जो आपको बताए हैं, इसके अलावा एक और कोर्स बड़ी डिमांडिंग में है और वो कोर्स है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आपको पता है फिटनेस के क्षेत्र में आजकल वैसे भी पूरा संसार महामारी के टाइम से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ऐसे में बैचलर इन फिजियोथेरेपी फिटनेस की इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। ये 4 ईयर का कोर्स है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है। इसके अलावा आप बैचलर इन रेडियोलॉजी कर सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी का, जिसमें एक्सरे वगैरह की जांच करते हैं, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर बायो से इंटर करने के बाद फर्दर बायोलॉजी नहीं लेना चाहते हैं, बायोलॉजी को छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। आप ग्रेजुएशन में बीए, बीसीए, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं जो कि 3 ईयर के कोर्सेज हैं। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर और भी बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के ऑप्शन हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क जैसे ऑप्शन में आप लोग जा सकते हैं। इंटर बायोलॉजी करने के बाद स्टूडेंट्स अगर चाहें तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विस जो कि देश की सर्विसेज का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा पद माना गया है, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस वगैरह, उनमें आप जा सकते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद स्टूडेंट अगर चाहें तो पुलिस या आर्मी की भर्ती के लिए भी जा सकते हैं। पुलिस या आर्मी की भर्ती के कुछ कॉमन नियम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में 18 से 28 साल की एज लिमिट है और 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप बच्चे 12th पास करने के बाद पुलिस भर्ती में जा सकते हैं, जिसमें दौड़ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है और 168 सेंटीमीटर से अधिक आप लोगों की हाइट होनी चाहिए, तो पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट सोचते होंगे क्या वो इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्योंकि एक कोर्स बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं जो कि रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इसको करने के बाद गेट एग्जाम देने के बाद इसी सब्जेक्ट में एमटेक भी किया जा सकता है जो कि रिसर्च के क्षेत्र में काम आने वाली चीज है। इसका मतलब है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं। आपने देखा कि इंटरमीडिएट में बायोलॉजी के बाद भी बहुत से कैरियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने मैथ्स के स्टूडेंट आगे फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस उनके पास है उसके बारे में बताया, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।